सेंटर पे की जाएगी क्या? बालकनी है जिस हवाएं आती रहती हैं और फिलहाल मैंने इसको बंद कर रखा है। गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस। और ये बना रही हूँ इवनिंग से, बच्चे जब स्कूल से आ गए हैं यहाँ पे तो बच्चे आए हैं घर पे अभी। सही प्लेस पर वेरी गुड गर्ल। अच्छी पूरी पूरी कैसे आगे? लीडर। अच्छा वेरी गुड गर्ल। ये देखो मेरी पॉकेट मनी का बैग। देखो ये मतलब इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं हुक से, और मैंने इसको रबर पे लगाया तो हाथ पे रबर डालूंगी तो हाँ, देखो मेरे पास वो भी स्पाइडरमैन का। कैसे करती रहती है वो? देखो इसके अंदर पैसे है क्या? इसके अंदर बहुत सारे दिखा। चल अच्छा काम कर। भूमि के पास पैसे भी है? हमारे पास तो नहीं है भूमि, इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए? 20 है क्या? हाँ देखो 10 + 10 = 20 = 30 = 40 = 50 = 60 = 70 = 80 = 90 = 90 नहीं 100 होंगे शायद। तो गाइस खाना पीना खा लिया था, उसके बाद अभी हम लोग आ गए थे बेडरूम में। तो ये भूमि देखिए यहाँ पे बना रही है कार्ड। कल है टीचर्स डे तो टीचर्स के लिए कार्ड बना रही है अपनी मिस के लिए, और साथ में चॉकलेट्स वगैरह ऐसे पैकेट वगैरह बना रही है। मतलब अच्छा इसने गिफ्ट तो बहुत ही सुंदर सुंदर बनाए थे लेकिन पूरा दिखाया नहीं, क्योंकि इसने रख लिया था बैग में। और यहाँ पे देखिए कार्ड भी बहुत सुंदर बनाया है और लिख रही है, और ना किसी की मदद ले रही है। मैं बोल रही मैं हेल्प कर दूँ, बोल रही नहीं मैं अकेले ही करूँगी। तो बच्चे अपने आप से करते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। तो गाइज यहाँ पे सुबह सुबह आज बना रही हूँ मैं थेपले। तो यहाँ पे देखिए आटा निकाल लिया है और आटे में थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूंगी, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार। तो इसी तरह से बनाती हूँ। और गाइस मेथी मेरे पास है नहीं, तो ये सूखी जो मेथी होती है उसको अच्छी तरह से हाथों से क्रश करके और मैंने डाल दिया इसके अंदर। साथ में थोड़ा तेल डाल दिया है और अजवाइन भी डाल दी है, और यहाँ पर थोड़ा लहसुन भी लिया है मैंने। कोई लहसुन खाता है वो डाले, नहीं खाते कोई बात नहीं, मैं खाती हूँ तो मैंने डाल दिया क्योंकि थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। साथ में मैंने यहाँ पे एक कटोरी डाल दिया है दही, और गुनगुने पानी से यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो धीरे धीरे लगा लूँगी आटा। तो यहाँ पे देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, तेल डाला था इससे ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। और अभी इस पर थोड़ा थोड़ा ऊपर तेल लगा के और ढक्कन लगा के मैंने रख दिया इसे। और गाइस उसके साथ में मैं उसे थोड़ी देर के लिए रख दिया है, तब तक मैं बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे दूध में ही बना रही हूँ चाय, तो सूर्या के डैडी उठ गए थे, मैं और सूर्या के डैडी हमेशा सुबह सुबह चाय पीते हैं। तो अभी यहाँ पे बना लेती हूँ चाय फटाफट से और फिर चाय पियेंगे, बच्चों को भी जाना है स्कूल इसीलिए। लेकिन पहले हम चाय पीते हैं उसके बाद मैं खाना वाना बनाऊँगी, फ़िलहाल चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा इस कटोरी में ही पीते हैं और मैं जो है कप में पीती हूँ। चाय पीने के बाद ये तो करने लग जाते हैं अपने योगा, वैसे छत पे करते हैं मगर आज छत पे नहीं गए, घर पे ही कर रहे हैं। और मैं आ गई हूँ किचन में गाइस, और यहाँ पे देखिए मेरा जो आटा है एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और यहाँ पे सूखा आटा ले लेती हूँ थोड़ा सा, और अभी जो है मैं बना लेती हूँ फटाफट से बच्चों के लिए थेपले, क्योंकि बच्चों को थेपले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वह ज़्यादा तो मैं नहीं बनाती, अगर वीक में वन टाइम जरूर थेपले बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को हमेशा ऐसे रहता है थेपले बना दो, क्योंकि ये बगैर ऐसे भी खा लेते हैं बगैर सब्जी के राउंड राउंड करके खा लेते हैं, तो बच्चे बोलते हैं थेपले बना दो। तो गाइस रात को ही डिसाइड कर लिया था, तो सुबह देखिए अभी बना देती हूँ फटाफट से थेपले। तो यहाँ पे रोटी की तरह बेल लिया है, और बेलने के बाद गाइस तवे पे डाल दी हूँ, और यहाँ पे दूसरा भी बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि जल्दी रहती है, सुबह का काम बहुत जल्दी जल्दी रहता है। और ये देखिए रोटी के ऊपर मैंने एक साइड सीख गई थी, तो यहाँ पे घी लगा लिया है, और यहाँ पे गाइस मैं बनाती जा रही हूँ फटाफट से, सारे थेपले बना के रख देती हूँ अभी। देखिए वो गैस पर है, दूसरा भी मेरा तैयार हो चुका है यहाँ पर थेपला, और दोनों साइड घी लगा लिया है, क्योंकि मैं घी का ही मतलब जब ऊपर लगाती हूँ तब घी से ही बनाती हूँ, वैसे उसके अंदर जब आटा लगाती हूँ तब थोड़ा तेल डाल देती हूँ जिससे सॉफ्ट हो जाए आटा। और यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया है, तो ये टिफ़िन में मैंने थेपले डाल दिए हैं, और साथ में गाइस ये सब्जी नहीं लेके जाएंगे, ये दही लेके जाएंगे बच्चे जो है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया मुरकुर बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ स्नैक्स। तो बस अभी फटाफट दोनों बच्चों के टिफ़िन पैक कर दिए, साथ में स्नैक्स में मुरकुर भी दे दिए हैं और बिस्किट दे दिए। अभी जा रहे हैं बच्चे स्कूल, धूप मस्त आ रही है। तो सेंटर पे की जाएगी क्या? बिस्किट खाते हुए जा रही है, बैग तो ले ले, बैग भी नहीं लेगी क्या? ठीक है जा, चाबी लेके वो है
गाइज आज है टीचर्स डे, तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे, जितनी भी टीचर्स देख रही हैं। और गाइज आज टीचर्स डे है, तो बच्चे देखिए भूमि जो है कलर ड्रेस पहन के जा रही है, क्योंकि इसको कुछ स्पीच वगैरह देनी है इसीलिए। और सूर्या ने अपनी यूनिफॉर्म ही पहन रखी है, तो बस गाइज अभी बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो यहाँ पे देख चाहिए, लेट हो रहा, फटाफट करो। बाय गाइस, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और ये भी ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद गाइस घर का काम जो होता है वो कर रही हूँ, लेकिन आज जो है मैं थोड़ा फ्री, ये जो टीवी है उसकी जगह अलग दूसरी जगह खड़ा कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ से मैं हटा रही हूँ, वहाँ पे थोड़ी रोशनी आ रही थी, इसलिए मेरे को यहाँ पे, क्योंकि घर बड़ा है तो ये थोड़ा सा आवाज़ नहीं आ पा रही है टीवी की सोफ़े के तक, तो इसीलिए मैं इस साइड कर रही हूँ सोफ़े का मुँह घुमा के, जिससे कि सही तरीके से सोफ़ा सेट हो जाए, टीवी सेट हो जाए, क्योंकि अभी नए नए आए हैं तो पता नहीं चल रहा है कहाँ पर हमें कौन सी चीज़ रखनी है। तो मैं अलग रोज़ रोज़ चेंज कर करके देखती रहती हूँ कि कहाँ पर टीवी अच्छा लगेगा, कहाँ पर सोफ़ा अच्छा लगेगा, तो इसी तरह से करती रहती हूँ गाइज हमेशा। तो पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, तो सुबह सुबह का काम तो ये रहता है, तो झाड़ू निकालने से पहले ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं झाड़ू पोछा वो सब बाद में करते हैं। और यहाँ पे देखिए अभी मैं कर लेती हूँ सोफ़े को भी चेंज, ये देखिए खुद ही कर रही हूँ, और ये जो है ज़्यादा इतना वजन नहीं है इसके अंदर, इतना वेट नहीं है, तो इसीलिए फटाफट से मैं खुद ही कर लेती हूँ, किसी की हेल्प की जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे। तो दिन में पता नहीं, सूर्य हमेशा हंसता रहता है, मम्मी हमेशा क्या चेंज करते रहते हो, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो गाइज वही है, नया घर है तो अभी पता नहीं चल रहा है किस साइड से परफेक्ट लगेगा सोफ़ा, इसीलिए मैं हमेशा देखती रहती हूँ घुमा घुमा के कि यहाँ पर अच्छा लगेगा, यहाँ पर अच्छा लगेगा, तो इसीलिए मैं चेंज कर रही हूँ। ये चेंज करने के बाद गाइज मैं करूँगी झाड़ू पोछा, फ़िलहाल ये कर लेती हूँ फटाफट से। सुबह सुबह के तो यही काम रहते हैं गाइस, किसी को ऐसे लगता है कि कुछ काम नहीं रहते घर में, क्या करते हैं, लेकिन गाइस घर का काम एक्चुअली में बहुत ज़्यादा होता है, कि औरतों को पूरे दिन लग जाता है काम करने में, और घर को जचाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो बस गाइस यहाँ पे सोफ़े वगैरह जचा दिए थे, और उसके बाद बच्चे वगैरह सब नहा धो के गए हैं, तो गाइस अब मैं जा रही हूँ कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालने के लिए। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, कुछ हाथों से धो लेती हूँ, जो वॉशिंग मशीन वाले कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ। तो बस गाइस यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सर्फ, अभी लिक्विड वाला है क्योंकि वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, और इसमें ये जो मशीन है ये ऑटोमेटिक है, तो इसमें ज़्यादा खड़े होने की या पानी वगैरह चेंज करने की ज़रूरत पड़ती नहीं। और मैं जो है गाइस पूरा घर क्लीन होने के बाद में नहाती हूँ, उस बाद पूजा करती हूँ, चाहे कितना भी टाइम लग जाएगा लेकिन पहले पूरा क्लीन करके फिर नहाती हूँ। उसके बाद गाइस मैं आ जाती हूँ बेडरूम में, बच्चे अभी गए हैं तो देखिए चादर वदर ऐसे ही गिरी हुई है, तो अभी सारा बेडरूम क्लीन करूँगी। तो पहले यहाँ पर मैं कर लेती हूँ चादरों को समेट लेती हूँ, और पर्दे भी खोल देती हूँ। अभी सुबह सुबह धूप बहुत अच्छी आती है इसमें बेडरूम में इसीलिए, और यहाँ पे देखिए सारी चादर अभी फोल्ड कर करके रख देती हूँ। तो सुबह सुबह का तो गाइज यही काम रहता है, सभी का यही रहता है, सभी औरतों का। और बस गाइज यहाँ पे देखिए इस रूम में जो है ड्रॉवर वगैरह बने हुए हैं, तो ये बहुत अच्छा है, तो इसमें अलग अलग रख देती हूँ, किसी में बेडशीट, किसी में बच्चों के कपड़े, किसी में बुक्स, सबके अलग अलग ड्रॉवर है, तो बहुत ये बहुत अच्छा है इस घर के अंदर। और बस गाइज उसके बाद मैं जचा देती हूँ यहाँ पे चादर को। तो बेड जचाने के बाद गाइज यहाँ पे साइड में मैंने दीवान रखा है एक, तो दीवान की भी चादर वगैरह अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये रहा दीवान, तो यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखिए इसको भी अच्छी तरह क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे पीछे देखिए कपड़े पड़े हैं, जो कि भूमि ऐसे ही निकाल के चली जाती है, सुबह सुबह फेंक देती है, रात को ऐसे ही डाल देती है, दिन में पता नहीं कितने बार कपड़े चेंज करती है वो, इसीलिए गाइस जगह जगह कपड़े डाल देती है। तो मैं बस झाड़ू पोछा करने से पहले ये सब उठा उठा के रख देती हूँ जगह पे। यहाँ की क्लीनिंग, बेडरूम की क्लीनिंग हो चुकी है, और थोड़ा सोफ़ा वगैरह इस साइड लगा दिया है, क्योंकि पास पास में लगवा दिया, तो उनके नीचे एग्जैक्ट मैंने सोफ़ा लगा दिए, पहले सोफ़ा ऐसे लगा रखे थे, अब ऐसे लगा दिए मैंने, क्योंकि मैं चेंज करती रहती हूँ। ये देखिए गाइस कितनी धूप हो चुकी है, देखिए सोफ़ा यहाँ पे लगाने के बाद ये देखिए फाइनल लुक हॉल का। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। और गाइस यहाँ पे फ़ैन दोनों इसके ऊपर है सोफ़ा के ऊपर, इसीलिए मैंने इसके नीचे लगा दिया है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है यहाँ पे गाइस, ये बालकनी है जिससे बहुत अच्छी हवा भी आती रहती है, यहाँ पे विंडो है यहाँ से भी हवाएं आती रहती हैं, और फिलहाल मैंने इसको बंद कर रखा है, अदरवाइज यहाँ से भी बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। ये जो है ये है हमारा मेन गेट, लेकिन फिलहाल मैंने इसको कर रखा है बंद। तो ये देखिए बाहर जो है कपड़े सुखा दिए थे मैंने वॉशिंग मशीन में से निकाल के, ये देखिए झाड़ू पोछा भी हो गया था, नहाना धोना भी हो गया था, सारा काम हो गया मेरा। तो ये देखिए गाइज फाइनल लुक मेरे हॉल का। तो गाइज कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा, सोफ़ा सही तरीके से लगा हुआ है या नहीं है।
तो बस गाइस इसी तरह से पूरे दिन लगी रहती हूँ काम करने में। और अब मैंने बना लिया अपने लिए थेपले और यहाँ पे ले लिया रायता। तो चलिए गाइस अभी मैं लंच कर लेती हूँ। तो गाइस हम लोग घर से निकले तो बारिश नहीं थी, अचानक से बारिश आ गई है। दुकान पे थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए मैं और भूमि तो वहाँ पे चली गई। देखिए बारिश कितनी जोर से आई है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया अभी तो। मज़ा आता है, ठंडा मौसम हो चुका है एकदम से, बादल भी हो। ये देखिए बारिश, ऐसे मौसम उमक गिर जाएगा बेटा। जैसे जा रहे हैं शॉप पे तो फटाफट से ले आते हैं थोड़ा बहुत सामान। और थोड़ी हाँ चीनू की तबीयत खराब है तो उसको भी पूछने के लिए जा रही हूँ। गिरी 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 गिरी।